दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग का मैच नंबर 27 जो कि खेला जाएगा पेशावर जालमी वर्सेस मुल्तान सुल्तान के बीच में। अगर आप सोच रहे हैं इस मैच में अपनी यूनिक टीम बनाने के लिए ग्रैंड लीग स्मॉल लीग हेडवेट कोई सी भी टीम हो गई तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में मिल जाएगी, जैसे कि हेडक्वार्टर्स, फेयर रिकॉर्ड्स, प्लेयर स्टेट्स, रिसेंट परफॉर्मेंस, पिच रिपोर्ट की सटीक जानकारी, ग्रैंड लीग की टीम, कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन, सब कुछ। तो यार वीडियोस को आप लोग अभी से लाइक कर दें एंड दोस्तों वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है अगर आपको एक यूनिक टीम बनानी है, तो वीडियोस को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस बात कर लेते हैं मैच स्टार्ट कब होगा। ये फिलहाल जो है मैच 10 मार्च इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 7:30 यानी कि शाम टाइम खेला जाएगा। टीम न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। पेशावर जालमी टीम जो है रिसेंट 8 मैच खेली है जिसमें कि 4 विन है 4 लॉस है। टीम की कप्तानी जो है बाबर आजम कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान टीम जो है रिसेंट 8 मैच खेले जिसमें कि दोस्तों इस टीम का भी परफॉर्मेंस जो है फिलहाल सेम टीम के जैसा, यानी कि 4 विन है 4 लॉस है। टीम की कप्तानी जो है मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं इस दोनों टीम के बीच जो है लास्ट 3 ईयर्स में टोटल 8 PSL के मैच खेले गए जिसमें कि मुल्तान सुल्तान टीम को 7 बार विन मिली है और पेशावर जालमी यानी कि बाबर आजम वाली जो टीम है दोस्तों उसको 1 बार विन मिली है। मतलब एडवांटेज जो है विनिंग का अगर हम देखें तो फिलहाल जो मैच है मुल्तान सुल्तान के पक्ष में रहने वाला विनिंग चांसेस। दोस्तों पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच होने वाला और आपको पता है गाइस रिसेंट जो है PSL के सारे मैच यहीं पर हो रहे हैं। स्कोर कार्ड जो यहाँ पे बन रहा है जो आप देख रहे हैं 200+ भी बना है और चेस भी हुआ है, ठीक है। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो एडवांटेज है बॉलर्स को बहुत कम मिल रही है, मतलब जो यहाँ पे लक पे डिपेंड होता है, यानी कि किसी बॉलर की किस्मत अच्छी है तो वो उसको ही विकेट मिल सकती है। बाकी देख रहे हैं कि किस प्रकार से बैटिंग हो रही है, सारे के सारे बॉलर्स दोस्तों वो माइनस हो रहे हैं, अपने पॉइंट्स भी नहीं बचा पा रहे जो कि फैंटेसी एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो कौन से बॉलर होंगे जो कि हम अपने टीम में रख सकते हैं वो दोस्तों जानेंगे। देखिए पिच तो फिलहाल बैटिंग फ्रेंडली रहने वाली है। एडवांटेज की बात करते हैं पेसर बॉल्स को, यहाँ पे दोस्तों जो है अगर हम बात करें 100% में 70% तक खेल पाती है स्पिन को, यहाँ पे 30% गाइस, ठीक है। एंड बात करते हैं एवरेज स्कोर तो फिलहाल मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे 190+ भी आपको देखने को मिल जाएगा। प्लेइंग के बारे में बात करेंगे पेशावर जालमी के, दोस्तों इस टीम की जो रिसेंट प्लेइंग थी वही रहने वाली, कोई चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलने वाला। अगर हम बात करेंगे इस टीम के ओपनर जो है सैम अयूब, बाबर आजम। सैम अयूब जो कि आपको पता है यार ओपन कर रहे हैं बाबर आजम के साथ 2 मैच से जो कि गजब की पारी खेल रहे हैं। देखिए अगर आप रिसेंट देख रहे हैं तो यहाँ पे 68 और 74, बाकी अगर उससे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 51 रन की पारी आई थी, बाकी सारे मैचेस में फ्लॉप थे। एंड ये जो कि 2 मैच है दोस्तों इसी ग्राउंड के जिसमें कंसिस्टेंट ये देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छी जो कि पिच इनको सपोर्ट दे रही है। हेडक्वार्टर्स की बात कर लेते हैं सामने टीम के, इसमें 2 मैच है जिसमें 76 रन 38 की ओर से बैटिंग करते हैं, तो मतलब इनका हेडक्वार्टर्स भी गजब का है। इस वेन्यू पे 2 मैच है जिसमें 142 रन 71 की ओर से बैटिंग कर रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे इस मैच को दोस्तों दोनों के दोनों को जो इनको स्कोर करता है वो एडवांटेज के साथ है, मतलब इस बंदे को टीम में लेकर के चलना है, ठीक है। एंड उसके बाद बात करेंगे बाबर आजम की, तो टीम के कैप्टन राइट हैंड बैट्समैन है। रिसेंट देखिए 8 मैच इन्होंने खेले, 343 रन 49 की ओर से बैटिंग कर रहे हैं। गाइस इनको भी जो पिच बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट इनिंग बैटिंग करके इन्होंने 115 रन इसी ग्राउंड पर बनाए थे। बाकी हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं सामने वाली टीम के गेस में 10 मैच हैं जिसमें कि 434 रन 54 की ओर से बैटिंग कर रहे थे और बहुत ही अच्छी हेल्प इनको मिल रही है मुल्तान सुल्तान के गेस में। बाकी अगर हम इस पिच पे देखते हैं 3 मैच है टोटल जिसमें कि 78 की ओर से बैटिंग कर रहे थे, यार ग्राउंड इनको बहुत ज्यादा हेल्प दे रहे हैं और आपको पता है यार ग्राउंड इनको ही नहीं जो बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहे थे जो हिट करते हैं गाइस उनको ठीक ठाक यहाँ पर परफॉर्मेंस मिल जाती है। तो इस प्लेयर को हमें अपनी टीम में लेकर के चलना चाहिए गाइस और कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर लीजिएगा। रोमन पवेल की बात करते हैं गाइस, राइट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट 7 मैच है इनके जिसमें अगर ग्राउंड पर देख रहे हैं तो ठीक ठाक बैटिंग हो रही है गाइस, बट आपने देखा रिसेंट भी 35 ओपनिंग नॉट आउट रहे हैं। हेडक्वार्टर सामने टीम के गेस पे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, 3 मैच है दोस्तों 85 रन है 16 की ओर से बैटिंग करें। इस ग्राउंड पे 2 मैच है दोस्तों 44 रन 44 की ओर से बैटिंग करें क्योंकि 1 मैच है दोस्तों ये नॉट आउट है आपको पता है। बाकी हेडक्वार्टर के अकॉर्डिंग इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए जो यहाँ पे रिसेंट आपने देखा है तो इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर था, बट गाइस ये डिपेंड रहेगा मतलब कि सिचुएशन के ऊपर। अगर यहाँ पे कुछ लास्ट के ओवर बचते हैं, लंबा स्कोर जाता है बाबर आजम द्वारा, तो फिलहाल इनको बैटिंग के लिए उतारा जाएगा। बाकी नहीं दोस्तों यहाँ पे आपको 5वें नंबर पर 4थे नंबर पर देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों देखिए सभी टीम में इनको नहीं लेकर के जाना क्योंकि हेडक्वार्टर्स में ये पूरी तरीके से फ्लॉप है। टॉम कलर कवर की बात करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट दोस्तों आपने देखा कि 7 रन इस ग्राउंड पर, बाकी उससे पहले वाला बहुत अच्छा स्कोर देख सकते हैं। हेडक्वार्टर्स सामने टीम के इसमें 2 मैच जो है 28 की ओर से बैटिंग करते हैं इस ग्राउंड पे, 2 मैच 43 की ओर से बैटिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए नॉट आउट भी रहे हैं। एंड मेरे हिसाब से इनको जो है हम अपनी टीम में रखेंगे क्योंकि सामने वाली टीम में जो है क्योंकि आपने देखा हेडक्वार्टर्स ठीक है, विनिंग भी टीम के केस में बहुत अच्छी है जो कि उस टीम के लिए, एंड उसके साथ दोस्तों उस टीम में जो बॉलिंग लाइनअप है वो भी गजब का है। तो दोस्तों ट्रैम कॉलर के एडमोर हमारी टीम में होना चाहिए। मोहम्मद अली की बात कर लेते हैं, तो राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर है, रिसेंट इनके 8 मैच है
जिसमें कि लास्ट मैच अगर आप देखते हो तो बैटिंग नहीं मिली, बाकी यहाँ पे तीन चार मैच में ये आउट ऑफ फॉर्म दिखे हैं, बाकी स्टार्टिंग के मैच हो गए गजब की पारी इन्होंने के लिए। और आपको पता है जब से सैम आयुब जो कि ओपन कर रहे हैं तो फिलहाल इनका जो बल्ला और भी कम चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से यार इनको टीम से हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। बट गाइस देखिए यहाँ पे जो हेड कॉर्स है, एक मैच है सामने टीम के जिसमें 40 रन है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान दे लेना है। सामने टीम का बॉलिंग लाइन अप मजबूत है, वो भी आपको ध्यान देना गाइस, क्योंकि जो बॉलर्स है गाइस वहाँ पे वो अच्छी हेल्प उनको मिल रही है। बट यार पिच पे देखते हैं किस प्रकार से, वो भी मैटर करेगा। एंड वेन्यू दोस्तों इनका एक ही मैच है, देखिए 9 रन है, बाकी दोस्तों सभी टीम में इनको भी नहीं लेकर के जाना। एंड हसीबुल्ला खान की बात करते हैं गाइस, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, देखिए रिसेंट इनको बैटिंग नहीं मिली है, बाकी अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ मैचेस में तो कंसिस्टेंट देखने को मिले हैं। तीन मैच दोस्तों इन्होंने खेले हैं जिसमें कि पहले मैच में 50, उसके बाद फिर 12, फिर यहाँ पे दोस्तों बैटिंग नहीं। वेन्यू पे इनका पहला ही मैच था जो कि यहाँ पे वाला दोस्तों 12 रन है। एंड अगर बात करते हैं हेड क्वार्टर्स की तो एक भी मैच नहीं है। टीम में रखना है कि नहीं रखना गाइस, देखिए ओवरऑल टी20 मैचेस में तेज करोड़ से बैटिंग करते हैं, जब आपको लगे गाइस कि टॉप ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप हो सकता है तब आप इनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। बाकी तो मेरे हिसाब से दोस्तों जहां तक लग रहा है बैटिंग तो आएगी, ये भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो स्मॉल लीग हेड के लिए आप पिकिंग को कर सकते हैं। एंड उसके बाद बात करेंगे इस आमिर जमाल की, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, रिसेंट तीन मैच हैं जिसमें कि आप देख रहे हो तो 18 रन है और फिलहाल 4 विकेट भी हैं। लास्ट मैच दोस्तों आपने देखा इसी ग्राउंड पर पूरी तरीके से फ्लॉप थे, बाकी स्टार्टिंग के मैच देख रहे हो तो इनको विकेट भी दोस्तों यहाँ पे मिले, एडवांटेज भी इनके पास 3 विकेट का। हेड क्वार्टर्स एक भी मैच नहीं है सामने टीम के अगेंस्ट में। इस ग्राउंड पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो एक मैच इन्होंने बैटिंग करी जिसमें 5 रन बनाए, 2 इनिंग में बॉलिंग कराई जिसमें 1 विकेट है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बॉलर्स को बहुत कम यहाँ पे हेल्प मिल रही है, ठीक है, तो सभी बॉलर्स को ज्यादातर आप ड्रॉप करने के लिए सोचे, कुछ इंपॉर्टेंट बॉलर ही अपने टीम में ट्राई करें, ठीक है। वहाब रियाज की बात कर लेते गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं। देखिए आमिर जमाल को दोस्तों स्पेस है, इनके पास बैटिंग और बॉलिंग दोनों है, तो चाहे तो ट्राई कर लीजिएगा, मतलब माइनस नहीं होंगे जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी बैट्समैन दोस्तों वहाँ पे मोहम्मद रिजवान है, थोड़ा सा मतलब रिस्की भी हो सकते हैं। वहाब रियाज लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं गाइस, इन्होंने भी जो है रिसेंट 8 मैच खेले जिसमें कि आप देख रहे हैं 2 मैच बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं हेड क्वार्टर्स के तो फिलहाल 9 मैच हैं इनके सामने टीम के गेंस में जिसमें बैटिंग करी, इसमें 24 रन बनाए और 12 इनिंग में बॉलिंग कराई जिसमें 8 विकेट है। देखिए सामने टीम के गेंस में जो है इनका विकेट लेने का गाइस चांसेस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप पे ध्यान रखते 12 मैच में 8 विकेट तो कुछ ज्यादा नहीं हो सकती। वेनी थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट कर रहे थे कि 6 में 9 विकेट हैं, और आपने भी यहाँ पे गाइस देखा है कि इनको विकेट मिल रही, पहले मैच में यहाँ पे इस ग्राउंड पे 3 विकेट, उसके बाद फिर 1 विकेट, तो गाइस यहाँ पे जो पिच पे बॉलर सपोर्ट कर रहे हैं मतलब जिनको हेल्प मिली तो दोस्तों उनको लेकर चले, वहाँ भी इसको हम टीम में ट्राई कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे अजमतुल्लाह उमर जी की, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं। रिसेंट अगर हम गाइस देख रहे थे इनका परफॉर्मेंस देख रहे तो पहले मैच उनको इसी ग्राउंड पर 2 विकेट मिली, बाकी उसके बाद अगर आप देखते हैं तो 0 विकेट। एंड गाइस अगर हम बात करते हैं हेड क्वार्टर्स की तो एक भी मैच नहीं है, वेन्यू पे 2 मैच है 2 ही विकेट हैं, तो गाइस ये भी थोड़ा बहुत रिस्की हो सकते हैं, मतलब सभी टीम में इनको भी हमें नहीं लेकर के जाना। अरशद इकबाल की बात करते हैं गाइस, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, रिसेंट 6 मैच हैं इनके जिसमें अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं गाइस, इनको देखिए इस पिच पे अगर हम देखते तो फिलहाल 3 विकेट पहले मैच में, उसके बाद यहाँ पे 0 विकेट। एंड वेन्यू पे दोस्तों जो है इन्होंने टोटल 2 मैच खेले जिसमें 3 विकेट है, हेड क्वार्टर्स इनका गजब का 3 मैच 4 विकेट है, तो यार इन इस बंदे को आप टीम में रख सकते हैं, चाहे वो ग्रांड लीग हो चाहे स्मॉल लीग हो, बहुत कम सिलेक्शन रहने वाला आपके लिए ट्रंप भी साबित हो सकता है। मुजीबुर रहमान की बात करते हैं, ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलर्स हैं, तो गाइस आपने देखा ये 3 मैच खेल कर यार जिसमें पहले मैच 2 उसके बाद फिर 0 इसी ग्राउंड पर फिर यहाँ पे 1, तो देखिए स्पिन के लिए मैंने कहा दोस्तों कुछ खास नहीं है, मतलब ज्यादा हेल्प नहीं मिल रही। बाकी अगर हम बात करें हेड क्वार्टर्स तो एक मैच सामने टीम के गेस में जिसमें 0 विकेट है, इस ग्राउंड पे 2 मैच में 1 विकेट मिल रही है, तो यार ये भी रिस्की हो सकते हैं, इनको भी हम ड्रॉप कर सकते हैं ग्रांडी फिर एक टीम बनाने गेस। तब बेंच प्लेयर भानुका राजापक्सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। जेम निशन दोस्तों आपको बेंच प्लेयर मिल रहे हैं, अगर खेलेंगे तो टीम में रखने लायक प्लेयर हो सकते हैं। साद मसूद गाइस रिसेंट आप देख रहे हैं एक मैच उन्होंने खेला था 16 ही रन है, बाकी अगर हम देखते हैं हेड क्वार्टर्स मेरे क्वार्टर्स नहीं है तो फिलहाल प्लेइंग में शामिल हो गए तो ड्रॉप कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे सलमान रिसाद की बात करते हैं, दोस्तों इन्होंने 3 मैच खेले थे जिसमें 3 विकेट मिली थी, अगर प्लेइंग में शामिल होते गए तो फिलहाल सोचने लायक प्लेयर्स हो गए, बट यार वेन्यू पे इनका भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, सामने टीम लगे इसमें 3 में 4 विकेट हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे मुल्तान सुल्तान टीम के प्लेइंग के बारे में, जो रिसेंट टीम थी आपने देखा जो प्लेइंग थी वही रहने वाली, अगर कोई चेंजमेंट होता गई तो बेंच प्लेयर तो मैं आपको शो कर ही रहा हूँ, बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल मिलेंगे तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको लिंक मिल जाएगा। ओपनिंग की बात करते गए शान मसूद मोहम्मद रिजवान के द्वारा की जा रही है इस टीम के लिए, शान मसूद जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है भाई, यहाँ पे 3 से 4 मैच में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट देखने को मिले हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 51 फिर 25 फिर 19 फिर 75, बहुत ही ज़्यादा हेल्प इनको मिली है बैटिंग फ्रेंडली दोस्तों, अगर ये पिच है तो यार यहाँ पे भी इनको हेल्प जरूर मिलेगी। हेड क्वार्टर्स की बात करते गए सामने टीम के इसमें 7 मैच है जिससे कि 201 रन 33 करोड़ से बैटिंग करें, इस पिच पर अगर हम बात करते 2 मैच दोस्तों 94 रन 47 करोड़ से बैटिंग करें। देखिए दोस्तों ये प्लेयर भी हमारी टीम में होना चाहिए और लेकर के हम चलने ही वाले हैं, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है दोस्तों, बैट्समैन को ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे अपनी टीम में पिक करने का। मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं इस टीम के कैप्टन एंड विकेट कीपर राइट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट 8 मैच है जिसमें कि दोस्तों आपको पता है यार कंसिस्टेंट बैट्समैन ये है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बल्कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि किसी मैचेस में दोस्तों फ्लॉप नहीं है, हर मैच में मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको करके दे रहा है, तो टीम में रखेंगे। और उसके साथ अगर हम बात करते हैं हेड क्वार्टर्स की तो 12 मैच है
जो कि सामने टीम के 42 ओवर से बैटिंग करते हैं। वेन्यू के दोस्तों 6 मैच में 31 ओवर से, देखिए वेन्यू थोड़ा सा यहाँ पे जो कि मोहम्मद रिजवान कम हेल्प दे रहा है, 31 ओवर देखिए 6 मैच में 63 ही रन गए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इनको क्या करना है, थोड़ा सा मतलब ड्रॉप करने के लिए मतलब नहीं कहूंगा, बट यार कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने से आप पहले आपको दोस्तों थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, मोहम्मद रिजवान को। बाकी अगर आप चाहें तो मतलब रिस्क लेना आपको पसंद हो ट्राई भी कर सकते हैं, रिसेंट फॉर्म अच्छा है, बट आपने जो ग्राउंड पर देखा रिसेंट वाला कुछ खास नहीं रहा दोस्तों, ठीक है। रैली दोस्तों की वन डाउन बैट्समैन लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट दोस्तों 7 मैच है जिसमें अगर हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस तो 3 मैच से लगातार ये फ्लॉप नजर आ रहा है, मतलब उतना अच्छा स्कोर देखने को नहीं मिल रहा। बाकी दोस्तों यहाँ पे 19, 78, 75, 36 और 29 मतलब ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस है, और इस पिच दोस्तों जहाँ तक मुझे लग रहा है कुछ अच्छा स्कोर ये बना सकते हैं, ठीक है। जिस हिसाब से पिच है दोस्तों कुछ अच्छा कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर हम देखें जो इनका रिकॉर्ड है तो वो बहुत खराब है। हिट रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, सामने टीम के केस में 14 मैच हैं जिसमें कि 46 ओवर से बैटिंग करते हैं, ठीक ठाक है। एंड फिलहाल साथ ही दोस्तों वेन्यू पे बात कर लेते हैं, 2 मैच दोस्तों 27 रन 13 ओवर से बैटिंग करते हैं। देखिए बैटिंग फ्रेंडली का इस पिच है फिर भी इनको हेल्प नहीं मिल रही है, बट दोस्तों इनको टीम से हम ड्रॉप करने के लिए नहीं सोचेंगे। 2 टीम अगर बनाते तो 1 टीम में जरूर लेकर जाएंगे, क्योंकि छोटा ग्राउंड है गाइस और ये हिटर बैट्समैन है तो कभी भी दोस्तों अच्छा स्कोर बना सकते हैं। जैसे रिसेंट हमने फखर जमान को सभी टीम में रखा और आपने देखा कि अच्छी खासी बारी दोस्तों बंदे ने उस खेली है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डेविड मिलर की लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट 8 मैच है जिसमें दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे तो अच्छा स्कोर देखने को नहीं मिला, कई सारे मैचेस में इनको बैटिंग भी नहीं मिली। यहाँ पे दोस्तों अच्छी बारी आई थी 52 रन की, बाकी उसके बाद दोस्तों कुछ खास नहीं आए। एंड अगर हम बात करते हैं हेड गॉड तो सामने टीम के केस में 1 मैच में 23 ही रन है और वेन्यू पे 2 मैच इन्होंने खेले जिसमें 12 रन 6 ओवर से, तो वेन्यू इनको भी फ्लॉप कर रहा है, तो कहने के दोस्तों इनको भी हम ड्रॉप करने के लिए सोच सकते हैं। एंड कैरन प्रॉड की बात करते हैं गाइस, राइट हैंड बैट्समैन राइट हैंड मीडियम जो कि बॉलर्स हैं, रिसेंट 7 मैच है जिसमें कि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा स्कोर जिसमें विकेट कराई थी दोस्तों, 2 विकेट मिली थी 39 रन के साथ में। एंड बाकी लास्ट बजाय आप देखते हैं तो 1 रन वो भी नॉट आउट है। आपको पता है मोहम्मद रिजवान कुछ अच्छी बारी खेलता है, लंबी बारी भले ही रन ना बने दोस्तों, बट यहाँ पे जो नीचे के मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है तो उनको बैटिंग बहुत कम मिलती है, ये आपने देखा होगा। हेड कॉर्ड्स की बात करते हैं, सामने टीम के गेस में जो है बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, कैरन प्रॉड 130 ओवर से बैटिंग कर रहे हैं, मतलब सारे मैचेस में नॉट आउट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर डाउन है। एंड 2 मैच बॉलिंग करें जिसमें 3 विकेट हैं। इस वेन्यू पे बात करते गए तो फिलहाल वेन्यू पे 2 मैच में 40 रन है, 40 ओवर से बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है मिडिल पे बैटिंग कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान टॉप पे हैं, तो यार फिर बैटिंग कहाँ मिल जाएगी, नॉट आउट यहाँ पे भी है दोस्तों वेन्यू पे, और 1 मैच में 2 विकेट देखो ग्राउंड पे भी मिल रही है, तो यार कहीं ना कहीं कैरन प्रॉड टीम में रखने लायक प्लेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। टीम डेविड की बात करते हैं, रिसेंट मैंने अपने आपको अपने टीम में लेकर के दिया है टीम डेविड को, राइट हैंड बैट्समैन, पहले मैच दोस्तों 60 रन बनाए, और देखिए इस बैट्समैन के लिए तो अच्छी हेल्प यहाँ पर रहने ही वाली है, क्योंकि हिट करने वाला प्लेयर दोस्तों जो यहाँ पे बैटिंग अच्छी करने के लिए सोचेगा हिट करने के लिए तो वो गाइस स्कोर बना जाएगा। आपको क्या लग रहा है कौन कौन से बैट्समैन हिटिंग करते हैं, तो यार टीम डेविड तो उसमें से पहले नंबर पर आएगा। टीम डेविड को दोस्तों हमें रखना ही रखना है, रिसेंट भी मैंने आपको सभी टीम में लेकर के दिया था। एंड हेड गॉड्स की बात करते हैं, 2 मैच जिसमें 98 रन है, 1 मैच नॉट आउट है, बाकी 98 ओवर से बैटिंग करते हैं सामने टीम के केस में। इस वेरी भी दोस्तों 1 मैच में 60 रन है जो कि आपने रिसेंट ही देखा है, तो यार बंदा बढ़िया कर रहा है इस ग्राउंड पे, तो यार लेकर के जाएंगे। और मेरे हिसाब से गाइस तो आप यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन भी टीम डेविड को ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ज्यादा टाइम में साथ जाते हैं दो टीम में दोस्तों, तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी रख लीजिए, बहुत गजब की पारी दोस्तों खेलता है पीएसएल मैचेस में, आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी यार लक ना काम करे तो उस पर क्या ही कह सकते हैं। अनवार अली राइट हैंड बैट्समैन राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, रिसेंट गाइस अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फिलहाल अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। देखिए यहाँ पे भी अच्छी विकेट दोस्तों रिसेंट वाले मैच में, एंड उसके साथ स्कोर भी और बैटिंग भी, तो यार स्पेस वाला प्लेयर रहेगा टीम में आप दोस्तों रख सकते हैं। बट उससे पहले देखिए हेड गॉड्स वेन गॉड्स देखते हैं, तो वेन्यू पे इनको बढ़िया हेल्प मिली, बट सामने टीम के किस्म दोस्तों 10 मैच में 3 ही विकेट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो सकते हैं। बट वेन्यू पे 2 मैच में 5 विकेट मिल रही, तो यार ग्राउंड पे कंसिस्टेंट है दोस्तों, टीम में हम इनको लेकर के जाएंगे क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग इनके पास दोनों रहने वाली है। उसामा मीर की बात करते हैं, लेग ब्रेक स्पिन बॉलर्स हैं, रिसेंट जो है इन्होंने 8 मैचेस खेले हैं जिसमें अगर हम देख रहे हैं 2 मैच यहाँ पे कोई विकेट इनको नहीं मिलता, अगर लास्ट मैच देखते हैं तो 2 विकेट इसी ग्राउंड पे है, तो कंसिस्टेंट प्लेयर है। हेड गॉड्स की बात करते हैं, सामने टीम के इसमें 7 मैच में 6 विकेट है, इस ग्राउंड पे 2 में 2 विकेट है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हैं विकेट थोड़ा सा कम मिले, 2 में 2 यहाँ पे फ्लॉप हुए थे, तो मेरे हिसाब से कैसे क्या करते हैं, उसामा मीर को भी हमें सभी टीम में लेकर के जाना नहीं है। अब्बास अफरीदी की बात करते हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर से, रिसेंट जो है इनके 7 मैच हैं जिसमें कि आप देख रहे हैं कंसिस्टेंट प्लेयर है, 1-2 मैच को छोड़कर आपने देखा कि हर मैच में फिलहाल विकेट मिले, एडवांटेज भी यहाँ पे 4 विकेट का दोस्तों। हेड क्वार्ट सामने टीम के इसमें जो है फिलहाल 1 भी मैच नहीं है, वेन्यू पे देखते हैं 2 मैच में 3 विकेट है, तो इस बंदे को हेल्प यहाँ पे मिल रही है इस ग्राउंड पे, तो इस प्लेयर को मैं टीम में जरूर लेकर जाना चाहिए। मोहम्मद इलियास राइट मीडियम फास्ट बॉलर से, रिसेंट 3 मैच इनके जिसमें गज 2 ही विकेट हैं पहले मैच में, बाकी 2 मैच लगातार फ्लॉप है। हेड क्वार्ट्स इनका गजब है, 4 में 6 विकेट हैं, वेन्यू पे बट कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है, तो फिलहाल इनको स्मॉल लीग हेड के लिए रख सकते हैं, बहुत कम सिलेक्शन वाले प्लेयर रहेंगे जिसमें कि अगर आप हेड गॉड्स को करिए परफॉर्मेंस देते हैं तो फिलहाल आप समझ सकते हैं कि विकेट मिलेंगे तो आपको
विनिंग भी वन साइडेड करा सकते हैं हेडवर्ड और स्मॉल लीग में गाइस। ग्रैंड लीग के लिए अगर विकेट नहीं मिलेगी दोस्तों तो फिलहाल थोड़ा सा रिस्की हो जाएंगे। इंसानुल्लाह की बात करते हैं गाइस, राइट आर्म फास्ट बॉलर से आप देख रहे हैं गाइस भाई बंदा जो कि हर मैच में एक मैच को छोड़कर आपको हर मैच में कंसिस्टेंट विकेट दे रहा है, मतलब देख सकते हैं डिसेंट फॉर्म है। टीम में तो रखना ही पड़ेगा, 8 मैच में 18 विकेट हो चुके हैं। एंड अगर हम बात करेंगे इस हेड गार्ड्स की तो सामने टीम के इसमें एक मैच में 3 विकेट हैं, इस वेन्यू पे दोस्तों 2 मैच में 4 विकेट है, मतलब ग्राउंड पे भी देखते हैं 2 मैच में लगातार विकेट लेने और सामने वाली टीम के गेम्स में दोस्तों 1 मैच में 3 विकेट है। तो मतलब इस बंदे को दोस्तों आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन देखिए, मैं हर मैच जो कि मोहम्मद रिजवान के साथ इनको करता हूँ आपको पता होगा, तो फिर से आप कर सकते हैं एक टीम में। बाकी टिम डेविड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है, ये ध्यान रख लीजिएगा। बेंच प्लेयर दोस्तों बात करते हैं समीन गुल, कार्लोस बेथवेट, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जो कि कार्लोस बेथवेट जो आपने देखा कि रिसेंट फॉर्म जो मैच था तो कुछ खास नहीं था, 4 मैच में 1 ही विकेट मिली थी। समीन गुल 4 में 3 विकेट मिले, कुछ कंसिस्टेंट नहीं है दोस्तों। एंड अगर हम बात करते हैं अकील हुसैन तो फिलहाल देख सकते हैं कुछ ये भी खास नहीं थे। एंड खुशदिल शाह आपने देखा कुछ खास नहीं थे दोस्तों। तो अगर बेंच प्लेयर ये जो कि प्लेइंग में शामिल भी होते गए तो फिलहाल मेरे हिसाब से टीम में रखने लगे नहीं रहने वाले। वैसे आपने हेडक्वार्टर्स, वेन्यू क्वार्टर्स, प्लेयर स्टेट्स, वेन्यू क्वार्टर्स और पिच को पता ही है, बैटिंग फ्रेंडली है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। तो फिलहाल एक टीम मैं आपको शो करूँ दोस्तों, ये मेरी पहली टीम रहेगी जो कि आप देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है गाइस तो फिलहाल आप जो है ऑप्शन आपके पास रहेंगे रोमन पॉवेल का, बट यार सिचुएशन के ऊपर वहाँ पे बैटिंग होगी, बाकी आप देख रहे हैं वेन्यू क्वार्टर्स उस प्लेयर का कुछ खास भी नहीं है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं गाइस, देखिए एक टीम में तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन जरूर करिएगा, इंसानुल्लाह और मोहम्मद रिजवान वाला। दूसरी टीम में देखिए बाबर आजम का जो कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे फिलहाल जो है ट्राई कर सकते हैं, सैम अयूब के साथ भी ऑप्शन आपके पास रहेगा, कैडमोर के साथ दोस्तों, ठीक है ये कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। एंड तीसरी टीम की बात करें जो कि थोड़ा सा रिस्की रहेगी, बट यहाँ पे टीम डेविड और रैली रोसो दोस्तों मैं ट्राई कर सकता हूँ, या तो फिलहाल जो है शान मसूद को भी ट्राई कर सकता हूँ। ये जो मेरी पहली टीम का कॉम्बिनेशन है उसमें दोस्तों आपको कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। जो अपडेट रहेंगे और जो टीम जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको लिंक मिलेगा बिल्कुल फ्री में दोस्तों, वहाँ पर टीम आपको मिल जाती है और टॉस के बाद जो अपडेट रहेगा दोस्तों वहीं पर शेयर हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।